ओम शांति। आज सवेरे से ही जैसे हम बाबा को बहुत याद करते हैं, आह्वान करते हैं, बाबा भी अपने पावरफुल वाइब्रेशंस, अपने अलौकिक वाइब्रेशंस हम सबको देते रहते हैं। हम सबको ये ख्याल रहे आगे भी जो बाबा के मिलन के दिन आएंगे, कोई भी ये न सोचे कि बाबा तो आते नहीं हैं, उनकी उपस्थिति आज के दिन विशेष, जो उन्हें प्यार से याद करते हैं उनके पास रहती है। बहुत सुखद वाइब्रेशंस सवेरे से ही हम अनुभव करते हैं और आगे भी कर सकेंगे। बहुत समय के अंतराल के बाद आज ये सुंदर समय फिर से आया है। ऐसे तो रोज बाबा से मिलन होता है, जब चाहे मिलन हो सकता है, पर ये विशेष दिन उसकी विशेष दृष्टि हम सब पर रहती है। और बाबा हम सभी को ये बात भी सब याद रखेंगे, अनिच्छित फल भी देते हैं, हमारी थकान भी उतारते हैं, हमें बहुत सुखी भी कर देते हैं। बाबा का एक महावाक्य जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता रहा सदा ही, आपको भी करता है, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। सवेरे के समय तो विशेष, मन चाहा वरदान ले लो। तो आज हम सभी केवल बाबा का आह्वान नहीं करेंगे, उससे सुखद अनुभूति भी करेंगे, कुछ संकल्प लेंगे और कुछ संकल्प देंगे। तो पहला अभ्यास, हम चलेंगे सूक्ष्म वतन, मन के बोझ, मन की चिंताएं या मन में किसी भी तरह का भय बाबा को अर्पित करके हल्के हो जाएंगे। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान, फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं फरिश्ता उड़कर चला सूक्ष्म लोक आकाश के ऊपर,
ये फरिश्तों की दुनिया, चारों ओर परमानंद, सामने देखें अपने तेजस्वी प्रभा मंडल के बीच में विराजमान है बाप दादा। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढ रहे थे। सम्मुख हैं, दृष्टि दे रहे हैं, दे दे मन के सारे बोझ और चिंताएं उनको, अपने को बाबा के हवाले कर दें। बाबा ने अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रख दिया, और बहुत हल्के होकर मैं फरिश्ता वापिस ओम शांति। सबसे बड़ा सुख यही है, इसको पाने के बाद संसार के सभी सुख ढीले फीके लगते हैं, बिन बिना शक्तियों से, रसों से बुद्धि निकलती जाती है। सभी याद रखेंगे इस ईश्वरीय रस को निरंतर पाने के लिए, निरंतर भी ये मिलता है, इसे पाने के लिए कर्मेंद्रियों के रसों को छोड़ना होता है। त्याग के बिना तपस्या नहीं होती, लेकिन त्याग की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। त्याग हमारे जीवन को तेजस्वी बना देता है, और हमारा केवल त्याग ही नहीं, उसके साथ परछाई की तरह चलता है श्रेष्ठ भाग्य। तो कर्मेंद्रियों के रस सभी को छोड़ देने होंगे। आजकल इन रसों की डेफिनेशन थोड़ी अलग भी हो गई है, आंखों का रस और कानों का रस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यमों से थोड़ा दूसरा रूप ले चुका है, जिसमें संसार के बहुत सारे लोग उलझ कर रह गए हैं,
जो मानसिक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, हमें इनसे पूरी तरह बचना है। आपको अपने युवकों को भी बचाना है जितना हो सके, क्योंकि ये व्यसन भी बढ़ता जा रहा है। तो आंखों से क्या देखें? मुरली में सभी ने सुन लिया है, आज ही तो था। तीसरे नेत्र से देखो, चमड़ी के नैनों से नहीं। मैं बाबा की एक बात और इसमें जोड़ देता हूँ, सभी उसकी प्रैक्टिस रखेंगे और आने वाले काल में उसकी बहुत महत्ता हो जाएगी। वो है, हर सीन को, हर घटना को शक्तिशाली होकर देखो। बाबा के महावाक्य हैं। तीसरे नेत्र से भी देखो, शक्तिशाली होकर भी देखो। तीसरा नेत्र, इसके दो अर्थ हैं, ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान की दृष्टि से देखो। और नेत्र, नेत्र भी है जिससे हम अविनाशी चीज आत्मा और परमात्मा को देखते हैं। तो हर घटना को शक्तिशाली होकर देखेंगे, चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। इस पर घटनाएं बहुत हो भी गई हैं दो वर्ष में, और आगे और ज्यादा भी होने जा रही हैं जिनसे हम परिचित हैं। शक्तिशाली होकर देखने का अर्थ है किसी भी घटना दुर्घटना का प्रभाव हमारे मन को विचलित न कर दे, उदास न कर दे, निगेटिव न कर दे, परेशान न कर दे। शक्तिशाली होकर देखना, कल्याण की भावना से देखना, जो हो रहा है। याद करो आज के महावाक्य, सत्य यही है, जो हो रहा है वही तो होना चाहिए। यह है पावरफुल नेत्र, ज्ञान की पावरफुल दृष्टि वृत्ति। इन दो तीन चीजों को आज से आप पक्का करेंगे और मधुबन की इस यात्रा से साथ लेकर जाएंगे। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ऐसा शक्तिशाली होकर देखेंगे जो किसी भी बात का इफेक्ट मन पर न पड़े, क्योंकि सभी को ये जानना चाहिए कि वर्तमान समय बहुतों के मन, बहुतों के ब्रेन सेंसिटिव हो चुके हैं, कमजोर, नाजुक, निगेटिव एनर्जी को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। बचना है इससे, ताकि हम शक्तिशाली होकर संसार को बहुत कुछ दे सकें। चलें, छोटा सा अभ्यास जो रोज करना है, मैं आत्मा, मस्तक मणि, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, परमात्म वरदानों से संपन्न, बहुत शक्तिशाली, निराकार, देह जैसे की है ही नहीं,
शक्तियों की लाल किरणें मुझसे चारों ओर फैलकर मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बना रही है। बैठ जाएं इस आभा मंडल के बीच में। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वीकार कर लें। ओम शांति। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। जिन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, एक छोटी सी और बहुत सुंदर बात। संसार में लोग आजकल तो बात वो पूरी हो गई, पर बाबा जब साकार में थे और उसके 20 साल बाद तक भी भारत में शास्त्रों का पठन पाठन, गीता की मान्यता बहुत ज्यादा थी, अब तो कोई जानता नहीं है। मैं लोगों से पूछा करता था, सुन ले ध्यान से, कि जब आप वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में ही आप सब जानते हैं, हिंदी वाले हैं, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, तीसरा भी है असत्य से सत्य की ओर ले चलो, सत्य की खोज थी। चारों वेद पढ़ लिए, उपनिषद दर्शन 18 पुराण गीता भागवत सब पढ़ लिए, फिर वही गा रहे हैं, हे प्रभु असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं पूछता था, ये सब पढ़ के प्रकाश मिला नहीं क्या, सत्य मिला नहीं? अब जो मैं कहना चाहता हूं उसे ध्यान से सुन लें। बाबा का ज्ञान पाने के बाद सत्य की खोज समाप्त हो गई, हो गई या नहीं? जो 7 दिन का कोर्स भी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं उनको समझ में आ जाता है, अब ये गाने की जरूरत नहीं, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, आत्मा तृप्त हो जाती है। ये तृप्ति संपूर्णता की पहचान है। बाबा के शब्दों में संतुष्टता ही संपूर्णता है। तो तीसरा नेत्र मिल गया है ज्ञान का, कुछ जानना शेष नहीं रहा। मैं छोटी सी बात कह करता हूँ सबको, आपने अपने बच्चों को भी सिखा दिया है हम आत्माएं कहाँ से इस धरा पर आई हैं। बच्चे कहेंगे परम धाम से, सिंपल ज्ञान दे दिया बाबा ने। संसार में किसी फिलोसोफी में किसी को पता नहीं है कि मुक्त होकर कहाँ जाएंगे और इस संसार में कहाँ से आए हैं। तो बाबा ने कितना बड़ा
साकार किया है। सत्य ज्ञान देखकर थकान ही मिटा दी, भटकन समाप्त कर दी, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। चले अब बाबा को बुलाएंगे, बिल्कुल अकेले हो जाएं, गीत भी बजेगा और ले चले बुद्धि को परम धाम। प्यार से निमंत्रण दें, हे खुदा दोस्त, मेरे मन के भी हम आपके प्यारे बच्चे आपके पास आए हैं, आपके घर आए हैं, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर आ गए मेरे सम्मुख। उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है और दृष्टि दे रहे हैं। सामने से ही उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। यंग सूर्य मस्तक में है, बाबा का आह्वान बहुत सुखद फीलिंग देता है। अपने अपने घरों में भी, कर्म क्षेत्र पर भी बाबा का आह्वान करेंगे तो उसकी पावरफुल एनर्जी आपके लिए बहुत मददगार होगी, विघ्नों को नष्ट करने वाली होगी। तीसरे नेत्र से सब कुछ देखना है, केवल आत्मा को नहीं सब कुछ। जानकी रानी बहुत पहले कहा करती थी, जब वो अपनी बाद में तो थोड़ी तबीयत ढीली हुई, लेकिन 20 साल पहले जब बिल्कुल मैं कहूंगा यंग थी, बुजुर्ग तो 100 साल के बाद ही नजर आई। 100 साल तक तो यंग थी, किचन में रोज आती थी, 15 मिनट क्लास कराती थी। कहती थी, अब तक इस संसार को 2 नैनों से देखा, अब तीसरे नेत्र से देखो। संसार की चकाचौंध दिखाई देती है, 2 नैनों से, तीसरे नैन से क्या दिखाई देगा? ये युग बदलने वाला है, दिखाई देगा। दिखाई देने का अर्थ है स्मृति में रहेगा कि जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो नहीं रहेगा। बंद भी कर सकते, बंद भी कर सकते हो राजू, दिक्कत हो तो रवि। तीसरे नेत्र से देखेंगे, दो नेत्रों से किसी के अवगुण भी दिखाई दे जाते हैं, तीसरे नेत्र से सबका संपूर्ण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप देखेंगे। कभी बाबा की एक मुरली चली थी बहुत अच्छी, अच्छा देह ही देखने की आदत है ना, तो इस तरह देखो, फरिश्ते को भी तो सूक्ष्म देह है,
कि हर एक के पीछे उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। तब हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी, तो तीसरे नेत्र से देखेंगे। दो नेत्रों वाले सोचते हैं, दो नेत्रों से देखने वाले। धन ही सब कुछ है, तीसरे नेत्र से देखने वाले सोचेंगे ईश्वर ये खजाना ही सब कुछ है। धन तो जन्म जन्म बहुत मिलेगा, सबका धन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अथा धन संपदा होगी। अभी भी अखबार में आया किसी एक देश का कि वहां की राजधानी में 25 मंजिला एक होटल सोने का बना, सोने की परत, सॉरी परत, लिखा था कि बाथरूम भी सोने का है, जो चाय आती है वो भी सोने के कप में, प्लेट भी सोने की है। सोचने की बात है, सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बना है अभी अभी। इतनी धन संपदा यदि अंत तक है, अब तो पतरा चढ़ा है सोने का, वहां तो सोने की ईंटें होंगी, तो तीसरे नेत्र से संसार को देखें। दो नेत्रों से सब कुछ विनाशी दिखाई देगा और तीसरे नेत्र से हम अविनाशी चीजों को देखेंगे। एक बार फिर से अपने अपने घरों में बाबा का आह्वान करेंगे, यहाँ बैठकर सेंटरों में, घरों में। बहुत सुंदर अनुभूति के साथ बुलाएं बाबा को, जो इस संसार में मेहमान बनकर आए हैं। सर्वोच्च सत्ता देखें तीसरे नेत्र से अपना घर, और संकल्प कर दें ये बाबा का यज्ञ है। प्यार से निमंत्रण दें, हे सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, अपना नाम छोड़कर अपने छोटे से यज्ञ में आ जाओ। सृष्टि के बीच जो हम सबको बहुत प्यार करते हैं, ब्रह्मा तन में सवार होकर आ गए हैं हमारे घर में। बहुत तेजस्वी दिव्य स्वरूप, तेजस्वी आभा मंडल के बीच उनकी पावरफुल एनर्जी, शक्तियों की किरणें, पवित्रता के वाइब्रेशन पूरे घर में फैल गए हैं। Thank you.
और दृष्टि देकर बाबा वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। आज के सुंदर दिन पर इन सुखद क्षणों में हम अपने को भी तीसरे नेत्र से देखेंगे। तीसरा नेत्र माना ज्ञान की दिव्य बुद्धि से संपन्न। सच्चा ज्ञानी वही है जिसे अपने सूक्ष्म कमियों का भी ज्ञान हो और जिसे अपनी महानताओं का, अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो। हम इस सृष्टि पर चमकते सितारे हैं, हमारे प्रकाश से ही जग का अंधकार दूर होता है। मुझे जो बाबा की एक बात बहुत याद रहती है अभी की, आप सबको भी याद दिला देता हूँ। साकार मुरली में आई है एक डेढ़ मास पहले ही, तुम धरती के चेतन सितारे हो, तुम नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। बहुत चिंतनीय महावाक्य है, नक्षत्रों से भी महान बलवान हो। मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। हम सभी आज अपने में कोई एक परिवर्तन करके जाएंगे यहाँ से। चाहे आप बाबा की आज की मुरली से देख लेना कुछ भी, हमें पता नहीं क्या मुरली होगी। मैं एक दो चीज याद दिला देता हूँ। समय के अनुसार, समय की मांग है कि हमें ज्यादा सोचने का संस्कार ना हो। समय का खेल बिगड़ता जाएगा, मन की स्पीड भी फास्ट होती जाएगी। और दूसरा, छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार भी न हो। अगर किसी में ऐसा है तो आज वो इसको चेंज करने का दृढ़ संकल्प करें। चेंज करने की शक्ति हमारे अंदर है, हमें पता रहना चाहिए। अपने को बदलने की शक्ति हम सबके अंदर विद्यमान है, केवल हम बदलने का दृढ़ संकल्प करें। बाबा का बहुत पहले का महावाक्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये तो कॉमन बात हम सब सुनते हैं, पर बहुत सुंदर महावाक्य था। विजय माला तो उनके गले में ही पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेंगे। और स्व परिवर्तन कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं एक ही शब्द में कहूंगा, एक लाइन में, अपने विचारों को बदल दो जीवन बदल जाएगा। विचार बदल दो संस्कार बदल जाएंगे। विचार ही तो है, छोटी बात आ गई जो परेशान कर रही है उसके पीछे भी तो कोई विचार ही है। किसी की मृत्यु हो गई आपके प्रियजन की, एक विचार ने आपको परेशान कर दिया, बाबा ने हमें इसे क्यों नहीं बचाया, परेशान हो गए, संशय आने लगा, कमजोर पड़ गए, विचार बदल गया, बाबा ने सहज मृत्यु दी है,
कस नहीं हुआ, एक सेकंड में गए हैं। कईयों का हुआ बताया, एक भाई कोरोना काल में ही, कोरोना भी नहीं था, ऑफिस से आया, बच्चे को कहा बेटा जरा पानी देना, कमरे में बैठा, पानी पिया और गए। मैंने उन्हें कहा यह आत्मा कितनी पुण्य आत्मा थी, न सेवा ली, न कष्ट हुआ, न परेशान, न दवाई, न पैसा खर्च, एक ही संकल्प ने उनको सरल कर दिया, स्वीकार करा दिया, परेशानियां खत्म कर दी। बातें बड़ी नहीं होती, मैं ये बात बहुत सुनाता हूँ, क्योंकि जब से सुनी है बाबा की मुरली में बहुत प्रिय लगी ये बात। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हो। बातें बड़ी नहीं है, बड़े तो तुम हो। अंडरलाइन कर दें, जब भी बड़ी बातें फील हो, बातें बड़ी नहीं है, बड़े तो हम हैं। मोस्ट पावरफुल, ज्ञान से भरपूर, भगवान का जिन्हें साथ मिला है, जो उसकी शीतल छाया में पल रहे हैं, बड़े और पावरफुल तो हम हैं। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, चले अब कुछ क्षणों के लिए उनकी छत्र छाया में बैठेंगे। कुछ क्षणों तक पावरफुल वाइब्रेशन संसार को देंगे। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न महाबलवान मास्टर सर्वशक्तिवान अथॉरिटी ग्लोब के ऊपर विराजमान, मैं पूर्वज हूँ, हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प का प्रभाव संसार में दूर दूर तक जाता है। ग्लोब के ऊपर विराजमान सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव बाबा का आह्वान करते हैं। हे सर्वशक्तिवान, आकर हमारी छत्र छाया बन जाओ। परम धाम से नीचे उतरने लगे, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हैं मेरे सिर के ऊपर, नीचे मैं शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्व शक्तिमान ज्ञान सूर्य,
बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं और सारे संसार में फैल रही हैं। और बाबा वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ये हमारा कंबाइंड स्वरूप है शिव शक्ति और शिव का। ये इतना पावरफुल है, ये बाबा के महावाक्य हैं। मैंने तो 74 से सुने थे, तब से याद रहते हैं। घटना थी बहुत सुंदर पांडव भवन में। मेडिटेशन हॉल बन रहा था, छत टीन की पड़ी थी, अभी कैंची पर डालते हैं, पक्का नहीं हुआ था, नीचे फर्श भी नहीं हुआ था। चादरें बिछाकर एक कुर्सी रखकर बाबा को बुलाया गया। बरसात के दिन थे, तेज तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी। और कैसा था तूफान, ये जो ऊपर पत्रों की छत थी ना, वो दो दो तीन तीन इंच ऊपर उठती थी, गिरती थी, अंदर लाइट आ जाती थी, बिजली जो कड़क रही थी। बाबा ने कहा, देखो प्रकृति प्रकृति पति की भी परीक्षा ले रही है। तब कहा था कि यदि तुम ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहो और प्रकृति विनाश करती हुई आ रही हो, तो तुमसे थोड़ी ही दूर पर आकर शांत हो जाएगी। ये इतना पावरफुल स्वरूप है। तो सभी अपने इस कंबाइंड स्वरूप का बहुत अभ्यास करेंगे। स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। समाते इस बात को, आने वाला समय अभी शांति भी रहेगी, कुछ फिर कुछ होगा, फिर शांति, फिर कुछ होगा। साक्षात्कार की धूम भी चलेगी। कई महानात्माएं भी सभा में बैठी हैं। मैं एक बात सुना दूं, ये सब साकार मुरली से हैं, और ये बात भी 6 मास पहले आई होगी। बहुत आत्माएं साक्षात्कार करेंगी और कुछ आत्माएं कराएंगी। जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे, उनसे दूसरों को साक्षात्कार होंगे। लक्ष्य बना लें सभी, जिनको भी संसार के लिए महान कार्य करना है। कभी साक्षात्कार शुरू होते ही देवकुल की करोड़ों करोड़ों आत्माएं भागेंगी बाबा की ओर, अपना अधिकार लेने के लिए। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें स्वयं भगवान साथ दे रहा है, जिनकी तकदीर को महान बनाने के लिए वे स्वयं नीचे आ गए हैं। तो आज के दिन बाबा की जो मुरली भी चलेगी, बहुत विश्वास के साथ, ये अंधविश्वास नहीं है, ये रियल बात है। सबको महसूस होगा बाबा आ गए हैं, उनके वाइब्रेशन पूरे हॉल में फैल गए हैं, मुरली जैसे डायरेक्ट चला रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनेंगे। ये नहीं कि जो सामने बैठे उनको देखते रहेंगे, मुरली का आनंद लेंगे, रस भरेंगे जीवन में 1-1.5 घंटा,
और उसमें से कुछ बातें सदा के लिए अपने साथ ले जाएंगे, तो सभी का आज का मिलन बहुत कल्याणकारी, बहुत सुखदायी, अविनाशी बन जाए। ऐसी शुभ भावनाएं सभी अपने लिए भी रखें। तो आज से एक ऐसे जीवन की शुरुआत जो आज से पहले नहीं था। जब आप यहां से लौटें, तो एक विशेष परिवर्तन के साथ, जो बाबा ने कहा है, तुम्हारी दृष्टि भी सेवा करेगी, तुम्हारा चेहरा भी सेवा करेगा, तुम्हारे वाइब्रेशंस भी सेवा करेंगे, तुम्हारा हर कर्म सेवा करेगा, लोग कर्म करना सीख जाएंगे। तो ऐसी शुभ भावनाओं के साथ अब आगे के क्षणों का आनंद लेंगे। अब हम बैठते हैं ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। लास्ट गीत बजाएंगे रवि भाई, लास्ट गीत ओम शांति, और ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे ही रहेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, निरंतर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, चाहे परम धाम में देखें, चाहे अपने सिर के ऊपर।